हाँ जी कोई ने बोला है तो सोचना है कैसे बोलने वाला या पूछने वाला शुभ भावना वाला है या अशुभ भावना वाला है। अभी तो बताया ही नहीं, पूछा है कि अव्यक्त वाणी में बोला है कि बाप क्रोधियों से नहीं मिलेंगे। बाप अपने आज्ञाकारी बच्चों से मिलेंगे। तो क्या वो टाइम शुरू हो गया है? और जो यहां संगठन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्या वो क्रोधी हैं? अव्यक्त वाणी में बाबा कोई बात बोलते हैं तो बोलने के साथ ही साथ उसका प्रभाव शुरू हो जाता है। ऐसे नहीं कि भविष्य में होगा, हाँ नंबरवार की बात हो सकती है। त्रेता युग के अंत में अर्ध विनाश होता है, तब बहुतों की अकाल मौत हो जाती है। तो उस समय जिनकी अकाल मौत होती है तो वो दूसरे शरीरधारियों में प्रवेश करेंगे क्या? काले मौत वाले या तो भटकते रहते हैं या तो जिनके साथ हिसाब किताब बन जाता है उनमें प्रवेश करके उनको दुख देते हैं। और आप भी प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके पुरुषार्थ करते हैं। अपने शरीर के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं या दूसरों के शरीर के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं? हैं? शरीर तो दूसरों का होता है, तो जिनका शरीर होता है उनका हिसाब किताब बनता है, पाप या पुण्य कर्मों का, या जिनका अपना शरीर ही नहीं उनका हिसाब किताब बनेगा? शरीरधारी का बनता है। तो त्रेता के अंत में जो प्रवेश करते हैं वो क्या करते हैं? प्र
प्रवेश करके दुख देंगे या सुख देंगे? दुख ही देते हैं। जो भी सूक्ष्म शरीरधारी या काले मौत में शरीर छोड़ने वाले होते हैं वो दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं ही होती हैं, पक्के स्वधर्मी नहीं होते हैं। ज्यादा पाप करने वाली आत्माएं होती हैं। जो ज्ञानी आत्माएं होंगी वो ज्यादा पाप करेंगी या अज्ञानी होंगी वो ज्यादा पाप करेंगी? ज्ञानी पाप करेंगे, अज्ञानी पाप करते हैं। तो जितने भी धर्म हैं दुनिया में उन सभी धर्मों के बीच में कौन से धर्म वालों को ज्ञानी कहें और कौन से धर्म वालों को अज्ञानी कहें? नंबर वार है विदेशी अज्ञानी, विदेशी और स्वदेशी अज्ञानी नहीं है। जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, सिख बन जाते हैं, आर्य समाजी बन जाते हैं, नास्तिक बन जाते हैं, वो अज्ञानी नहीं है। अज्ञानी कन्वर्ट होते हैं या ज्ञानी कन्वर्ट होता है? अज्ञानी ही कन्वर्ट होते हैं। तो ज्ञानी कौन से हैं? है? जो ज्ञान सूरी के बच्चे हैं, डायरेक्ट ज्ञान सूरी से सुनते हैं, सन्मुख बैठ करके सुनते हैं, वो हैं ज्ञानी। वो कन्वर्ट होने वाले बच्चे नहीं हैं। अर्थात जन्म लेकर के धोखा देने वाले नहीं हैं। जिस कुल में जन्म लेंगे उस कुल का नाम बाला करेंगे, बदनाम करने वाले नहीं होते हैं। सूर्य का कनेक्शन सारी दुनिया से होता है या एक धर्म वालों से होता है, एक से नहीं होता है? सारी दुनिया से होता है। तो सूर्यवंशी बच्चों का भी कनेक्शन सारी दुनिया के सब धर्म वालों से है। हर धर्म की राजधानी स्थापन करने में वो ज्ञान सूरी के बच्चे ज्ञानी आत्माएं ही सहयोगी बनती हैं। राजधानी स्थापन करती हैं। दूसरे धर्म वाले इस बात के निमित्त नहीं बन पाते। बाबा ने लिखा मानते है शास्त्रों में आत्मा को अंगुष्ठाकार माना है। अंगुष्ठाकार मानने के कारण ही शिवलिंग को बड़ा बनाते हैं और आत्मा रूपी शालिग्राम को अंगुष्ठाकार मानते हैं, बनाते हैं। तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया, गुरु दक्षिणा में ले लिया। इसका मतलब हुआ कि उसकी आत्मिक स्थिति ही खत्म हो गई। जब आत्मिक स्थिति ही खत्म हो जाती है
तो ज्ञान बाण कौन सा होता है और अज्ञान बाण कौन सा होता है इसका पता ही नहीं चलता। क्योंकि बाण अंगूठे से पकड़ करके ही चलाया जाता है। आत्मा ही ज्ञान की पकड़ करती है। देहभान से ज्ञान की पकड़ नहीं होती है। इसलिए बाप कहते हैं कि अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। और बाबा शमशा वर्मा शमशा वर्मा शमशुद्दीन कोई राजा का नाम हुआ। उसके नाम पर शमशाबाद नाम रखा गया। जैसे फर्रुख सियर कोई राजा का नाम हुआ उसके नाम पर फर्रुखाबाद नाम रखा गया, फर्रुख नगर नाम रखा गया। कोई दूसरे मिनी मधुबन में बाबा का महासंगठन अटेंड कर सकते हैं क्या? इसके लिए अलग से परमिशन लेनी चाहिए? या नहीं लेनी चाहिए? है, कम से कम सूचना तो देनी चाहिए। दूसरी बात, बाबा का गुप्त पाठ चल रहा है या प्रत्यक्ष चल रहा है? गुप्त होने का राज भी कोई है या नहीं है? क्या राज है? कोई बात को दुनिया की नजरों से गोपनीय क्यों रखा जाता है? सेफ्टी के लिए रखा जाता है। तो जो दूसरे संगठन, दूसरे महासंगठन में, दूसरे मिनी मधुबन में अटेंड करने की बात करते हैं उन्हें पता कैसे चलेगा या पता कैसे चलता है कि अमुक मिनी मधुबन में महासंगठन होने वाला है? है, समाचार देते हैं। जो समाचार देते हैं दूर दूर के मिनी मधुबनों में, वो बाप को प्रत्यक्ष रख करने वाले हैं या गोपनीय रखने वाले हैं? है, प्रत्यक्ष कर देते हैं। पांडव गुप्त होकर के घूमते थे, किस लिए? है, कौरवों को पता नहीं चले, क्योंकि कौरवों के हाथ में राजा ही है, कंट्रोलिंग पावर है, तन की, धन की, वैभव की सारी शक्ति दुनिया भी उनके हाथ में है। इसलिए चाहे महाभारत काल हो, चाहे रामायण काल हो,
चाहे देवासुर संग्राम हो। चाहे शंकर भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे राम भगवान हो, उनको गुप्त रूप में रहना पड़ता है या प्रत्यक्ष होकर के काम करना पड़ता है? गुप्त रूप में काम करना पड़ता है। राम को कांटों के जंगल में रह करके युद्ध करना पड़ा, जैसे शिवाजी ने औरंगजेब से कैसे युद्ध किया, गोरिल्ला वार किया, जंगल में छुपे हुए रहते थे। कृष्ण ने गांवड़े गांवड़ों में रह करके कंस से अपना बचाव किया और शंकर जी ने सारी दुनिया में भाग भाग करके भस्मासुर से अपना बचाव किया। भक्ति मार्ग में भगवान के ये रूप जो दिखाए गए हैं, वो भगवान डरपोक थे क्या? नहीं तो क्यों भागते फिरते थे? है क्या युक्ति है? कि सांप मरे न लाठी टूटे, क्या हम कौन सी राजधानी स्थापन करते हैं? हिंसक राजधानी स्थापन करते हैं या अहिंसक राजधानी स्थापन करते हैं? है अहिंसक राजधानी स्थापन करते हैं। तो ऐसी युक्ति अपनानी पड़ती है जो कोई प्रकार की हिंसा की गुंजाइश न रहे। इसलिए जो जहां मिनी मधुबन के एरिया का है, वहां रह करके अपना महासंगठन अटेंड करता रहे तो अच्छा है। ऑल इंडिया में फोन करके जानना अच्छा नहीं है कि बाबा कहां संगठन अटेंड कर रहे हैं। इससे चारों ओर बात फैलती है, गुप्त कार्य में विघ्न पड़ता है। हम आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो अभ्यास का समय याद में गिनती होगा या नहीं होगा? आत्मिक स्थिति में हम भ्रकुटी को याद करते हैं या भ्रकुटी में ज्योति बिंदु को याद करते हैं? ज्योति बिंदु को याद करते हैं। और बाबा ने बोला है, तुम जब आत्मिक स्थिति में रहते हो तो तुम्हारी आत्मिक स्थिति से परमपिता परमात्मा दूर नहीं रह सकता। जहां आत्मा रूपी बच्चा है वहां परमपिता परमात्मा मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अपनी भ्रकुटी के बीच में परमपिता परमात्मा शिव है, नहीं।
परम पिता का तो मुकर्रर रथ है, मुकर्रर रथ के द्वारा ही युक्तियां देते हैं, ज्ञान के पॉइंट्स देते हैं, बच्चों को सर्च लाइट देते हैं, बच्चों को संग का रंग लगता है। बाकी इतना जरूर है जो बोला है कि तुम बच्चे मुझे जितना याद करते हो, मुझे माने बिंदु, मैं क्या हूं है बिंदु, मेरी बिंदु आत्मा का ही नाम शिव है, तो जितना मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। किसके साथ हूं, बिंदु आत्मा के साथ या देह के साथ? बिंदु आत्मा के साथ। और शास्त्रों में लिखा है कि राधा के एक बूंद आंसू में तीनों लोक उस आंसू में डूब जाएंगे, तो वो एक बूंद आंसू कौन सा है? आंसू दुख में आता है मोस्टली या सुख में आता है? खुशी का आंसू डुबाने वाला होता है या उद्धार करने वाला होता है? और यहां डूबने की बात है या उद्धार करने की बात है? तीनों लोगों के डूबने की बात है। तो दुख रूपी जो आंसू है वो अपवित्रता से आता है या पवित्रता से आता है? कहां से आता है? अपवित्रता से दुख होता है। और पवित्रता में जो आत्मा टॉप मोस्ट हो वो दुखी हो सकती है? है? नहीं हो सकती। इसलिए बोला है राधा के लिए भी ऐसे बोला है और भगवान के लिए भी ऐसे बोला है। भगवान के लिए बोला है ब्रकुटि विलास सृष्टि लय होई सपने संकट परय किसोई। जिसके भ्रकुटी के तानने मात्र से सारी सृष्टि का विनाश हो सकता है, उसके स्वप्न में भी संकट नाम की कोई चीज नहीं आ सकती। जो प्रहलाद के जीवन में दिखाया गया है, प्रहलाद को अपने जीवन में संकटों का सामना तो करना पड़ा, लेकिन क्या वो उन संकटों में दुखी हुआ, आंसू बहाया? नहीं बहाया। तो ये हीरो हीरोइन का पार्ट ही ऐसा है, एक में पवित्रता की ताकत है जन्म जन्मांतर की और दूसरे में जन्म जन्मांतर की पवित्रता की ताकत तो नहीं है,
लेकिन बाप की याद की ताकत है। ये अरस परस है, याद से पवित्रता आती है और पवित्रता से याद आती है। इसलिए बोला कि राधा का एक आंसू भी अगर उस पर राधा पर संकट आता है, दुख आता है, तो उस दुख के टाइम पर सारी दुनिया डूब जाएगी। बाबा कहते हैं अगर एडवांस में एक भी चलता है ज्ञान में, तो उनका सारा परिवार भविष्य में ज्ञान में आ जाएगा। तो उस परिवार में भाई बहने माता पिता आदि सब 4.5 लाख की लिस्ट में आवेंगे क्या? अगर 4.5 लाख में आवेंगे तो क्या उनके अपने वर्तमान शरीर में आवेंगे? बाबा शरीर को पकड़ते हैं, शरीर की बात करते हैं या आत्मा की बात करते हैं? और सिर्फ आत्मा ज्ञान में आती है कि आत्मा शरीर के साथ ज्ञान में आती है? हैं? शरीर के साथ ही ज्ञान में आती है। हाँ, किसी के माता पिता वृद्ध हैं और वृद्धावस्था के कारण शरीर छोड़ना पड़ता है, तो शरीर छोड़ने के बाद भी वो एडवांस ज्ञान में 4.5 लाख की लिस्ट में आवेंगे या नहीं आवेंगे? आवेंगे। तो देह की बात नहीं है, आत्माओं की बात है। और कोई ने पूछा हैदराबाद वाले बच्चों में किस बात के डर की आबादी है, उसका कारण कैसे मिटाना है? जिसने पूछा है वो देहभान में रह करके पूछा है कि आत्माभिमान में रह करके पूछा है? है? कैसे पूछा है? है? क्यों? अगर आत्माभिमानी की बात करें तो आत्मा ने हैदराबाद में जन्म लिया या फरक्काबाद में जन्म लिया? है? हद के ज्ञान गर्भ में जन्म लिया या बेहद के ज्ञान गर्भ में जन्म लिया? बेहद के ज्ञान गर्भ में जन्म लिया तो फरक्काबाद वाली वादी हुआ या हैदराबाद वादी हुआ? है? और यहाँ सब कौन बैठे हैं? फरक्काबादी हैं या हैदराबादी हैं? तो जो हैदराबादी हो उनको डर हो, जो है ही फरक्काबाद वाली फरक्काबादी उनको डर क्यों होगा? और आज मुरली में तरावटी माल के बारे में बोला है। ये तरावटी माल क्या होता है?
भोजन करते हैं, भोजन में कोई सूखी रोटियां खाते हैं, उन सूखी रोटियों को तरावटी कहें या दाल में और रोटी में चुपड़ करके जो घी खाया जाता है उसको तरावटी कहें। जहां घी ज्यादा है तो उसे तरावटी माल कहा जाता है। ये बेहद का घृत है, बाप की याद। तो बाप की याद से मनन चिंतन मंथन बहुत होता है। बाप सूक्ष्म ज्योति बिंदु है और जो आत्मिक स्थिति में रहकर बाप को याद करते हैं उनकी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या स्थूल बनेगी? सूक्ष्म बुद्धि बनती है। जितनी सूक्ष्म बुद्धि बनती है उतना ही मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलता है। इसलिए कहा जाता है ये महीन बुद्धि है, ये भैंस बुद्धि है। तो मोटी बुद्धि में ज्ञान का मनन चिंतन मंथन नहीं चल सकता। जो महीन बुद्धि बनते हैं बाप की याद से उनके अंदर मनन चिंतन मंथन बहुत चलेगा। जितना बीज रूप स्टेज धारण करेंगे उतना वो बीज विस्तार को जरूर पावेगा। बीज रूप बनने का पुरुषार्थ होता है, विस्तार तो अपने आप होता रहता है। और बाबा रात्र कर्म के लिए जाना नहीं चाहिए, श्राद्ध कर्म की परंपरा भगवान ने बनाई बताई या मनुष्यों ने बनाई? तो मनुष्य मत से दुनिया गड्ढे में गई है या सदगति हुई है? है ज्ञान में नहीं है ना, है ज्ञान नहीं है ना। आप तो ज्ञान में है, रिश्तेदार ज्ञान में नहीं है और आप ज्ञान में हैं, तो भगवान बाप का बच्चे कौन हुए? आप हुए या रिश्तेदार हुए? हाँ आप हुए, तो जिम्मेवारी किसकी है? बाप की बताई हुई ज्ञान की बातों पर चलने वाली जिम्मेवार आप हुए। आप पावरफुल हैं या रिश्तेदार पावरफुल हैं? अब आप पावरफुल हैं, सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, तो क्यों पूछते हैं श्राद्ध करें या न करें? हैं? ये श्राद्ध करना या भक्ति मार्ग के कोई भी टंट घंट करना, हर धर्म में अपना अपना भक्ति मार्ग चलता है, भक्ति मार्ग की परंपराएं चलती हैं। वो सब परंपराएं मनुष्यों की बनाई हुई है, उन परंपराओं पर चलने से वेस्टेज ऑफ टाइम मनी और एनर्जी होता आया। हमने अपनी सारी ताकत बर्बाद कर दी भक्ति मार्ग में। अब आत्मा की ताकत को आबाद करना है तो किसकी मत पर चलना है? बाबा की मत पर चलना है। और हो गया
जैसे सर्प पुरानी खल छोड़ नहीं लेता है, तुम भी जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ चोला है। इस पुराने सड़े हुए चोले को छोड़ना है तो बाबा इसका बेहद का अर्थ क्या है? क्या करें? इस पुराने चोले को, पुराने शरीर को जीव घात करके खत्म कर दें क्या? नहीं, जिनकी बुद्धि में आता है कि हम इस शरीर को ही खत्म कर देंगे, सुइसाइड कर लेंगे, कहते हैं आत्महत्या कर लेंगे, वो नहीं जानते हैं कि आत्मा की तो हत्या होती ही नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, यह आत्मा का विनाश होता है, आत्मा की तो हत्या हो ही नहीं सकती। तो शरीर छोड़ने का अर्थ है शरीर भान छोड़ना, देह भान छोड़ना और सदैव आत्मिक स्थिति में रहना। आत्मिक स्थिति में रहना ही शरीर छोड़ना है। देवताएं सदैव आत्मिक स्थिति में रहते हैं, आत्मा के ध्यान में रहते हैं, आत्मा देखते हैं, अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझते हैं, इसलिए उनको अमर कहा जाता है। अमरनाथ के बच्चे हैं, उनको मरने वाला नहीं कहा जाता। तो ऐसे अमरनाथ के बच्चे हमको यहां बनना है, देह को त्यागने की बात नहीं है, ये नहीं सोचना है कि जैसे मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो हम भी शरीर छोड़ देवे, नहीं। शरीर का भान छोड़ देवे, ये देह है, ये देह के पदार्थ, इस देह के जो भी संबंधी हैं, नाना चाचा काका मामा ताऊ या माँ बाप या पत्नी या पति, ये बिल्कुल याद ना आवे। ये अंतिम जन्म के तमो प्रधान संबंधी हैं, इनसे पीछा छुड़ाना है। ये दुखदाई है, ये संबंध तमो प्रधान हो गए हैं, तो संबंध जोड़ने का टाइम है या संबंधों को तोड़ने का टाइम है? अभी तोड़ने का टाइम है। नए नए संबंध इंद्रियों से जोड़ने का टाइम नहीं है। जो जोड़ने के टाइम पर तोड़ता है और तोड़ने के टाइम पर जोड़ता है तो उल्टा काम करता है या सीधा काम करता है? उल्टा हो गया। अभी संगम युग तो देह से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से पीछा छुड़ाने का टाइम है। कैसे भी ये छूट जाएं, इनकी याद ना आए।
ऐसे भी नहीं कि घर बार छोड़ करके सन्यासियों के मिसल भाग जाना है। नहीं, बाबा तो बोलते हैं, सौ बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहे, उसको कहते हैं योगी। जैसे भीड़ भाड़ के स्थानों पर रेलवे स्टेशन आदि पर कितनी भीड़ होती है, परंतु कोई उस भीड़ को अपना समझता है क्या? उस भीड़ के लोगों में बुद्धि जाती है क्या? नहीं जाती है। ऐसे ही ये दुनिया तमो प्रधान की भीड़ भाड़ है, इसमें बुद्धि नहीं जानी चाहिए। अभी हमें उल्टी सीढ़ी चढ़नी है कि नीचे उतरना है? ऊपर चढ़ना है, और उसका एक ही उपाय है, सबताज हरे भजो। भक्ति मार्ग में भी ऐसे कहते रहे, परंतु वहां भक्ति मार्ग में हरि भगवान को जानते ही नहीं थे। कहते थे कि हरि भजो सबताज, और अभी तो है, अभी तो भगवान को जानते हैं, मानते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। तो दुनिया से तोड़ने का टाइम है और एक से जोड़ने का टाइम है। क्या दिया बाबा? हाँ, बच्चों को जब अपने मानसिक का शरीर छोड़ते तो दुख नहीं होता? उनका देह से लगाव होता है क्या? आत्मा अजर अमर अविनाशी है या देह अजर अमर अविनाशी है? मुझे पता नहीं ना, कब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये तो पता नहीं। जानने की दरकार है। यहाँ किसी ने पूछा, जिज्ञासु ने, अपने शरीर छोड़ता है तो दुखी नहीं होना है? बोले तो आत्मिक स्थिति होगी तभी दुखी नहीं होंगे ना, और देवान होगा तो दुखी होंगे। देह से आता है दुख और आत्मा से आता है सुख। देवताएं देवानी नहीं होते हैं, आत्मा अभिमानी होते हैं। और जिससे लगाव होता है देवताओं का, वो लगाव एक से होता है या सारी दुनिया के मनुष्य मात्र से होता है? एक से लगाव होता है। तो ये सात्विक स्टेज है, अब व्यभिचारी स्टेज है, यह दुख बढ़ाने वाली व्यभिचारी स्टेज है, है? सात्विक स्टेज है। ये सात्विक स्टेज होने के कारण दोनों साथ साथ शरीर छोड़ते हैं, या वहां विधवा और विधुर होते हैं? होते हैं, नहीं होते, साथ साथ शरीर छोड़ते हैं। उनका वियोग कभी होता ही नहीं है। मंदिर नहीं बने बताए बाप का शरीर गुप्त कर दिया बाप का गुप्त करके कैसे कहेंगे जब उन्होंने पहचाना ही नहीं?
उन्होंने बाप को पहचाना कहाँ जो गुप्त कर दिया? ब्रह्मा बाबा तो माँ थे, बाप थे ही नहीं। माँ से तो कुछ मिलता ही नहीं है, बाप से तो वर्षा मिलता है। हाँ मंदिर नहीं बने। हाँ जी, तो किसी के बाबा चावल ने माना गाड़ी की लाज नहीं रखी बच्चे। हाँ, इसलिए मंदिर नहीं बने। नहीं बने, उल्टे उल्टे काम किए सारे। जब बच्चे उल्टे काम करेंगे तो माँ बाप का नाम बाला करेंगे या नाम बदनाम करेंगे? तो ब्रह्मा का नाम बदनाम क्यों हुआ दुनिया में? क्योंकि ब्रह्मा के बच्चों ने ही ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी। ब्रह्मा के मुख से जो वाक्य निकले हैं उन वाक्यों पर चले ही नहीं, ब्रह्मा की देह में ही फंस गए। मुखवंशावली नहीं बने, कुख माने गोद वंशावली बन गए। उनको ब्रह्मा की गोद ही याद आती है, माने देह ही याद आती है। ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ब्रह्म वाक्य याद नहीं आते हैं, और उन वाक्यों का वो महत्व भी नहीं देते हैं। एक वार्तालाप में सुना है कि हम बाबा से क्लास कराने की सेवा लेते हैं। बाबा से क्लास कराने की सेवा बच्चे लेते हैं या बाप खुद आते हैं? हैं? खुद आते हैं तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि बच्चे सेवा लेते हैं, ये तो बात ही गलत हो जाती है। बाप खुद आते हैं, खुद सेवा देते हैं, बच्चों को मांगने की दरकार नहीं है। इसमें कोई बच्चों का हिसाब किताब नहीं बनता है। हाँ, इतना हिसाब किताब जरूर कहेंगे कि सारी दुनिया के लोग बाप के सन्मुख आकर नहीं सुन पाते हैं और बच्चे सन्मुख आकर सुनते हैं, तो जरूर पूर्व जन्मों में कोई ऐसा हिसाब किताब बच्चों का जुड़ा है जो बच्चों को बाप सन्मुख मिलते हैं और दुनिया वालों को सन्मुख नहीं मिलते। है आदि में प्रजापिता वाली आत्मा का हत्या हो गई बोले ना, है हत्या की गई बोले ना, तो ये बात ब्रह्मा बाबा को पता है क्या? जरूर पता होगी, बाप के जीवन कहानी में बादशाह का नाम डाल दिया बोले ना। हाँ, तो यहाँ ब्रह्मा बाबा का पिताजी टीचर थे, तो वही सेवक राम वाली आत्मा का भी पिताजी टीचर थे क्या? ये तो अनुमान क्यों लगाना है? कहानी वही ब्रह्मा बाबा की बात हद में है। ब्रह्मा बाबा हद में है या बेहद में है? ब्रह्मा हद के बाप हैं या सारी मनुष्य सृष्टि के बाप हैं? ब्रह्मा सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बाप। गांधी जी राष्ट्रपिता थे या विश्वपिता थे? हैं? राष्ट्रपिता थे। वो गांधी भी चाहते थे कि राम राज्य हो, लेकिन चाहना पूरी हुई क्या? हैं? राम राज्य हुआ और ही रावण राज्य हो गया।
वो हद के गांधी थे और ये बेहद के गांधी है। बाबा ब्रह्मा बाबा तो इतनी अच्छी आत्मा है ना, फिर उनकी पूजा क्यों नहीं होती? नहीं नहीं, हत्या इतनी बड़ी गलती है। हत्या इनकी बड़ी गलती? राम वाली आत्मा का क्या, ब्रह्मा बाबा ने हत्या की? बोला क्या बोला? हनुमान ने सूरज को हप कर लिया का मतलब ये है कि यज्ञ के आदि में जो ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होना चाहिए वो ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष नहीं हो पाया और ब्रह्मा बाबा ने उसका प्रभाव खत्म कर लिया, खुद भगवान बन के बैठ गए और सूर्य की रोशनी खत्म हो गई। सन 47 से संस्था का नाम क्या पड़ गया? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और प्रजापिता कहाँ चला गया? मुरली में तो बोला है सारी कहानी प्रजापिता की है। तो खुद को प्रत्यक्ष कर दिया और बाप को गुप्त कर दिया, आदि में भी ऐसे ही किया और अंत में भी, आदि में हुआ तो अंत में ऐसे नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? आदि सो अंत, आदि में जो हुआ वो ब्रह्मा पुरुष रूप में हुआ और अंत में महाकाली के रूप में होता है। क्या राज करेगा खालसा और बाप गुप्त हो जाएगा। बाप भी क्या चाहते हैं? बच्चों को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं या अपने को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं? बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं तो नंबर बार बच्चे प्रत्यक्ष होंगे और बाप गुप्त हो जाता है। तो सारी दुनिया अंधेरे में आ जाते हैं ना? सारी दुनिया अंधेरे में आनी चाहिए। इसलिए असुरों का नारा है और सारी दुनिया असुर बन जाती है। असुरों का नारा क्या है? अंधेरा कायम रहेगा, अज्ञान का अंधेरा कायम रहेगा। वो महाकाली बाप को पहचानती है, ब्रह्मा बाबा ने बाप को पहचाना था नहीं पहचाना? अहंकार में आकर के बाप को नहीं पहचाना। जो आदि में हुआ है वो अंत में भी होता है। जो न खुद पहचानते हैं वो दूसरों को भी पहचानने नहीं देते हैं। और माया सहयोगी बन जाती है। क्या बोला? माया ने प्रकृति माता से हाथ मिलाई लिया। कौन सा हाथ? बुद्ध रूपी हाथ मिलाई लिया। बाबा अत्री अनसुईया का पुत्र चंद्रमा बताया ना है? अत्री और अनसुईया, कभी मैं तेरा बाप कभी तू मेरा बाप। सतयुग के आदि में मैं तेरा बाप, त्रेता के अंत में तू मेरा बाप। असुरों के ताज में मुर्गे का पंख दिखाते हैं। धार्मिक सीरियल देखे हैं ना टीवी में? जितने भी धार्मिक सीरियल होते हैं
असुरों को मुर्गे का पंख दिखाए जाते हैं सर ताज में। तो शास्त्रों में जो दमनासुर है, दमनासुर किसी ने दमनासुर का नाम सुना है या भस्मासुर है? भस्मासुर है या दमनासुर, ये सही करवाओ बाबा। क्रोध पर जीत कैसे पाना? बाबा ने मुरली में बता दिया, जब क्रोध आता है तो अपन को समझो कि हम चांडाल बनने की शूटिंग कर रहे हैं। क्या? जब भी क्रोध आए, प्रैक्टिकल एक्ट में क्रोध आ जाता है तो क्या समझना चाहिए कि कोई न कोई जन्म में हमको चांडाल बनना पड़ेगा। तो सुधार होगा कि नहीं है? नहीं होगा? होगा। क्या लिखा है माता जी? हर बात में आदि सो अंत का कनेक्शन होता है। आदि में राम वाली आत्मा ठंडी हो गई, माने फेल हो गई, पर अंत में लक्ष्य प्राप्त कर लेती है। नर से नारायण बन जाती है। तो ये बात कैसे? आदि में फेल हुई तो अंत में भी क्या होनी चाहिए? फेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि राम राज नाम आया। नहीं, आदि में पूरा ज्ञान नहीं था और अंत में तो पूरा ज्ञान है। पूरा ज्ञान होने के बावजूद भी इस बात का भी ज्ञान है कि ये संगम युग शूटिंग पीरियड चल रहा है। शूटिंग पीरियड में जो भी नई आत्मा जन्म लेती है, ज्ञान में निश्चय बुद्धि बनती है, बाप का बच्चा बनती है, तब सतो प्रधान स्टेज होती है या तमो प्रधान स्टेज होती है? कैसी स्टेज होती है? हैं? सतो प्रधान स्टेज होती है। फिर जन्म लेने के बाद दुनिया में जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, तो ज्यों ज्यों बड़ा होता जाता है त्यों त्यों विकारी बनता जाता है या निर्विकारी होता जाता है? विकारी बनता जाता है, तामसी होता जाता है। ऐसे ही ये षष्ठी का और षष्ठी के शूटिंग पीरियड का भी हिसाब है। हाँ, कोई आत्मा ऐसी होती है जो गिरती कला में भी तेज पुरुषार्थ करती है और ऊंची स्टेज में रहती है। कोई आत्मा ऐसी होती है
कि गिरती कला में अपने को पूरा ही छोड़ देती है और धक से नीचे आ जाती है। जैसे इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा आधार मूर्त आत्मा त्रेतांत होते ही एकदम कमजोर पड़ जाती है या पावरफुल रहती है, एकदम दुनिया की सबसे कमजोर आत्मा बन जाती है। और कमजोर होने के कारण इब्राहिम जैसी पावरफुल आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। तो कैसा पुरुषार्थी कहें, इस्लाम धर्म की आत्माओं को कैसा पुरुषार्थी कहें, कमजोर पुरुषार्थी। कोई ऐसे पुरुषार्थी भी होते हैं कि गिरती कला होने के बावजूद भी तीव्र पुरुषार्थी रहते हैं। जितनी ज्यादा परीक्षाएं आएंगी उतना ज्यादा उनका पुरुषार्थ का रूप तीव्र हो जाता है। तो वो आत्माएं द्वापर के आद में ही नीचे गिर जावेंगी या कलयुग के अंत में जाके नीचे गिरेंगी, है? सीधी सी बात है, जो आत्मा की बैटरी ज्यादा चार्ज कर लेगा वो बैटरी चारों युगों में चलती रहेगी, और जो आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं कर पाएगा, खाली रह जाएगी, तो त्रेता के अंत आते आते पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अभी चारों युगों का भाग्य अभी बन रहा है, याद से और सेवा से। जितना जो चाहे बना सकता है, कोई की बैटरी खाली रह जाएगी, कोई की बैटरी भर जाएगी। ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा ने हमारी बैटरी को चार्ज नहीं किया। बाबा तो चार्ज करने आए हैं, परंतु ये हर आत्मा के अपने पुरुषार्थ के ऊपर है कि कोई बैटरी चार्ज करे या न करे। जितना ज्यादा ज्ञानी होगा उतना जास्ती बैटरी चार्ज करेगा, और जितना ज्यादा अज्ञानी होगा उतना बैटरी है जानते हुए भी मानते हुए भी डिस्चार्ज करता रहेगा, औरों के कनेक्शन में आता रहेगा, औरों का संग का रंग लगाता रहेगा, औरों की तरफ बुद्धि योग भागता रहेगा। यज्ञ में रहते हुए भी, यज्ञ में खाते हुए भी, यज्ञ में परवरिश लेते हुए भी, यज्ञ में बाप के संपर्क संसर्ग संबंध में आते हुए भी बुद्धि बाहर की दुनिया में भागती रहेगी। तो बैटरी चार्ज होगी या डिस्चार्ज होगी, है? डिस्चार्ज हो जाएगी। और बाबा इसमें लिखा है ये सृष्ट के शरीर छोड़ने के बाद फिर उठा है, ये सृष्ट के शरीर छोड़ने के बाद फिर उठा है, ये बात रही है या राम क्राइस्ट की शरीर क्राइस्ट शरीर छोड़ने के बाद फिर उठा है, ये बात रही है या राम दिन के बाद में वो किस दिन में आ जाता है बताते हैं। ये बात मनुष्य बताते हैं कि भगवान बताते हैं? मनुष्य तो कुछ भी बतावेंगे,
हाँ जी, ओम शांति। हो गया, हो तो गई ये बात। हाँ, ये छोटा वाला वही तो बात है, वो वाला ये वाला सब हो गया।